माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबको जय यीशु। कल हम लोगों ने मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड के विषय में और कॉमन प्रीस्टहुड के विषय में सुना था। कॉमन प्रीस्टहुड, बपतिस्मा के द्वारा हम सब प्रीस्टहुड में, ईसा मसीह का उस प्रीस्टहुड में ज्वाइन किया है। हम बपतिस्मा के द्वारा राजकीय वंश भी है, पवित्र वंश है, चुने हुए लोग हैं। बपतिस्मा के द्वारा हमें कुछ विशेष अधिकार भी मिल रहा है। और इन कॉमन प्रीस्टहुड में पड़े हुए लोगों से कुछ लोगों को प्रभु कुछ विशेष कार्य करने के लिए फिर से नियुक्त करते हैं। उनको हम लोग साक्रमेंटल प्रीस्टहुड या मिनिस्ट्रियल प्रीस्टहुड करके बोलते हैं। तो एक है बपतिस्मा के द्वारा जो कॉमन प्रीस्टहुड हो रहा है, और दूसरा है कुछ विशेष कार्य के लिए जो मिनिस्ट्रियल प्रीस्टहुड में, ईसा मसीह के प्रीस्टहुड में मिनिस्टर बनने के लिए वे मिनिस्ट्रियल प्रीस्टहुड है। अभी अगला कैथोलिक कलीसिया के ऊपर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करने वाली बात है, ये जो पुरोहित लोग हमारे रोमन चर्च के नियम के अनुसार, विशेषकर लैटिन कलीसिया में एक व्यक्ति को आज पुरोहित बनना है। सबसे पहले हमें मालूम है वो एक क्रिश्चियन, ईसा मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरे एक शर्त है प्रभु की सेवा के लिए वो तत्पर और अपनी इच्छा से पूर्ण रूप से समर्पित कर प्रभु का सेवा करने के लिए इच्छा प्रकट करना है, और उसको प्रूफ कर करके भी दिखाना जरूरी है। और अगला एक शर्त है जो इस पुरोहिताई के द्वारा एक ब्रह्मचर्य का विवाहित जीवन जीने के लिए तैयार है। किस लिए? वैवाहिक जीवन का कुछ उद्देश्य है, उसमें भी आशीष है, कृपाएं हैं, उससे भी अधिक अच्छी बात अगर किसी व्यक्ति को, मान लो एक छोटा सा नौकरी है, उनको प्राइवेट नौकरी था, उनको मान लो कुछ वर्ष के बाद एक सरकारी नौकर का ऑफर मिल रहा है या मिलने वाला है, तो प्राइवेट नौकरी को छोड़ेगा, चाहे कितना भी वर्ष उधर रहा, वो उससे अच्छा नौकरी है सरकारी नौकरी, उस नौकरी के लिए जाएगा, क्योंकि उसमें पेंशन मिलेगा, उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, इस प्रकार अनेकों फायदा उसमें होने के कारण प्राइवेट काम से थोड़ा और आराम भी है, इसलिए उसको छोड़ करके सरकारी नौकरी में जाएगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन प्रभु का ही कार्य है, प्रभु का ही इच्छा है, वो एक बुलाहट है, उससे अच्छा एक और बुलाहट है, वो है पुरोहिताई संस्कार। प्रभु के स्थान पर खड़े होकर के प्रभु के समान जो कार्य, प्रभु ने जो कार्य किया वो कार्य हम पर करने के लिए एक बुलाहट, उस बुलाहट के लिए एक शर्त आजकल रखा है, अविवाहित व्यक्ति होना चाहिए। अविवाहित व्यक्ति और जीवन भर अविवाहित जीवन जीने के लिए, अर्थात ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए वो तैयार होना चाहिए। इसके ऊपर आक्रमण करते हुए बाइबल का ही कुछ वचन लेकर के ये सिखाते हैं कि कैथोलिक पुरोहित विवाह नहीं कर रहा है,
वो गलत है। प्रभु ने नहीं सिखाया विवाह नहीं करने के लिए, प्रभु का वचन कहते हैं विवाह करना चाहिए। इस प्रकार बताते हुए कलीसिया के ऊपर और पुरोहितों के ऊपर और अन्य बहुत बुरे बातें करते हैं, मैंने आगे बोलना चाहते हैं लोग क्यों शादी नहीं कर रहा है, ऐसे अनेकों टिप्पणियां हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहते। अभी लोग बाइबल का जो वचन विशेष रूप से जो उठाता है, पहला तिमती का पत्र अध्याय 3, फर्स्ट तिमती चैप्टर 3, वाक्य 1 से लेकर के 7 तक पढ़ेंगे, वहां पर 1-7 वहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति के विषय में लिखा हुआ है। किस व्यक्ति को अध्यक्ष, अध्यक्ष माने बिशप, किसको बिशप का पद दे सकता है, किसको आप बिशप बना सकता है, वो बिशप का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसके अंदर वो दारू पीने वाला नहीं होना चाहिए, क्रोध करने वाला नहीं चाहिए, सहनशीला होना है, ऐसे ऐसे कर करके उसका घर का प्रबंध करने वाला होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार बोल करके है। उसमें एक पॉइंट ये भी है, वो केवल एक पत्नी को रखने वाला होना चाहिए, अपने परिवार को चलाने वाला, मतलब वो विवाहित है कर करके यहाँ का वचन में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है। इसलिए ये जो शादी नहीं करना ये जो बोल रहा है ये गलत है करके ये सिखाते हैं। इसके बाद पुरोहितों के विषय में भी लिखा हुआ है, वाक्य 8 से लेकर के आगे 12 तक है, वहां पर भी जो धर्म सेवक जो पुरोहित जो होगा, इसका मतलब अध्यक्ष के नीचे जो कार्य करने वाला व्यक्ति, उसको लिए भी इसी प्रकार है, दारू पीने वाला नहीं होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, और अन्य लोगों का जो देखभाल सब करने वाला होना चाहिए, और उनके पत्नियां भी कैसे होना चाहिए वो भी प्रार्थना करने वाली अच्छा अच्छा हो, और वो धर्म सेवक वाक्य 12 में लिखा है एक पत्नी वरद होना चाहिए, एक से के साथ शादी कर करके अनेकों के पास जाने वाला नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार सुंदर शिक्षा यहां पर लिखा हुआ है, इसको उठा करके ये बोल रहा है देखो यहां पर एक पत्नी वरद वाला होना चाहिए, मतलब एक पत्नी से शादी किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। तो इसके बाद अगला उदाहरण देता है पेत्रुस, आपका जो पोप है पहला पोप, वो भी तो शादीशुदा था। मैं बोलूंगा पहला पोप नहीं, इसके बाद का पोप भी शादीशुदा था, क्योंकि विवाह ना करने का नियम उस समय पर नहीं था, ये बाद में कलीसिया ने लिया है, जो पुरोहित लोग हैं विवाह ना करें, क्यों नहीं करना है ये भी बाइबल के अनुसार ही है, बाइबल के अनुसार ही है। सबसे पहले संत पौलुस का उदाहरण ही ले लेते हैं, अभी पेत्रुस बोलता है शादी किया, और ये जो पत्र लिखा है तो संत पौलुस है, तिमत्ती को पत्र लिखने वाला कौन है, संत पौलुस है। संत पौलुस कुरिन्थियों को विवाह के विषय में हमें मालूम है पहला कुरिन्थी अध्याय 7 में, पहला कुरिन्थी अध्याय 7 पूरे विवाह के विषय में, पहला कुरिन्थी अध्याय 7 वाक्य 7 को थोड़ा पढ़ लेते हैं, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्सेस 7, वहां पर प्रभु का सेवक संत पौलुस लिखते हैं, मैं तो चाहता हूं कि सब मनुष्य मुझ जैसे हो, किंतु ईश्वर की ओर से हरेक के लिए अपना अपना वरदान मिला है, एक को ये दूसरे को वह, अर्थात एक शादी करेगा दूसरा शादी ना करो। यहां पर संत पौलुस इसे पहले से अगर पढ़ करके आए वहां पर हमें पता चलेगा मुझ जैसे हो, ये लिखने का मतलब है संत पौलुस विवाहित नहीं था, और संत पौलुस बोले सब मनुष्य केवल पुरोहितों के लिए नहीं, स्त्रियों से दूर रहना पुरुषों के लिए अच्छा है, ऐसे सब बोल करके ये क्यों लिखा है, इसके पीछे और कहानियां हैं, ऐसा लिखने के पीछे का संत पौलुस का ये सोच जो थियोलॉजियंस वो उसका खंडन करते हैं क्यों लिखा,
किस आधार पर इन्होंने ऐसा लिखा, यह सब सिखाते हैं। लेकिन इसके बाद आगे आगे चल करके हमें कई चीजें मिलता है। वाक्य 32 में मैं सीधा जाना चाहूंगा। 32, मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को कोई चिंता ना हो। जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता और प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो अविवाहित लोग हमेशा प्रभु के कार्यों को, चर्च का, प्रभु का सेवा कार्यों पर उनका मन लगता है, और किस प्रकार ये सेवा करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, मसीह की कलीसिया का खड़ा करते हुए, मसीह के लिए वो कार्य करें, उनको खुश रखने का ये सोचते रहता है। और वाक्य 33 में, 33 में लिखा है, जो विवाहित है वो दुनिया की बातों की चिंता करते रहता है, कैसे पैसा कमाना है, चाहे झूठ मूठ कुछ भी बोले, कैसे पैसा कमा रहे, और वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहते हैं, घर को देखते हैं, बच्चे को पढ़ाना, उसका काम, इसका काम, 500 काम, लेकिन प्रभु के कार्य में अगर पूर्ण रूप से लगना है, प्रभु को खुश रखना है। यहां पर संत पौलुस स्वयं लिख रहा है, अविवाहित अवस्था में पूर्ण रूप से प्रभु का कार्य है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं पैसा लेकर के सेवा नहीं करता, मैं पैसे के लिए नहीं करता, खाने पीने के लिए मैं स्वयं मेहनत करता हूं, और जो कुछ मुझे फ्री में प्रभु ने दिया उसको फ्री में बांट रहा हूं। ऐसी बातों को सिखाने वाला संत पौलुस, उसका एक कारण ये बताता है, वो अविवाहित जीवन जीने के कारण वो पूर्ण रूप से प्रभु में मन लगा करके रह रहा है और प्रभु की सेवा में लगा हुआ है। तो इसलिए ये बोलना, पुरोहित लोग विवाह करना चाहिए यही लिखा हुआ है, नहीं करना ये गलत है, ये शिक्षा देना बिल्कुल गलत है। कुछ बातें इसके ऊपर भी, जैसे मैंने बोला, आदिम कलीसिया में कुछ लोग विवाह तो करते थे, कुछ लोग विवाह नहीं करते थे, सब लोग विवाह नहीं करते थे, ये भी गलत है। अगर संत पेत्रुस विवाह किया है, अन्य कितने प्रेरितों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं विवाह किया हुआ, योहन का विवाह के विषय में, इवन हमारे जो भारत देश में जो संत आया, संत थॉमस, वो विवाहित कर करके कहीं नहीं पढ़ते। केरल में आया, हमारे भारत देश में आया, उनके साथ उनका पत्नी था, उनका पत्नी का कहां देहांत हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, या कभी छुट्टी गया था पत्नी से मिलने के लिए वापस, नहीं लिखा हुआ है। तो शिष्य गणों में भी कुछ लोग विवाहित और कुछ लोग अविवाहित भी थे। इसलिए ये बोलना गलत है, प्रभु का चुने हुए जो पुरोहित आए, जो संस्कार में प्रवेश किया हुआ, सबों को विवाह करना जरूरी है। और मैं कई बार सिखाया हुआ, माता मरियम के कन्यत्व के विषय में, वर्जिनिटी के विषय में सिखाते वक्त में हमेशा ये कुरिंथियों का पहला पत्र अध्याय 7 का जो वचन, 36 से 38 तक का जो वचन, 3 वचन बोल करके, जिनका मन सुदृढ़ है वो विवाह ना करें, जिनका मन सुदृढ़ है। और संत पौलुस इसी अध्याय में लिखा है, यदि वासना में जड़ रहा है, इससे अपेक्षा, ऐसे जलते हुए पाप करने की अपेक्षा जाकर के शादी कर लो, ये भी है। जो, लेकिन जिसका मन सुदृढ़ है, जो एक अच्छा कार्य के लिए इस प्रकार जीवन जी रहा है, हमारे भारत देश का प्राइम मिनिस्टर, खैर वो शादीशुदा था, पत्नी को छोड़ने वाला है, लेकिन अनेकों हम लोगों को मिले, हाँ पुराना प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, वो शादी नहीं किया, ऐसा अनेकों नेताओं को मिलेगा जो शादीशुदा नहीं है, कुछ उद्देश्य से, कुछ सेवा कार्य, भारत देश का सेवा हो या कलीसिया का सेवा के लिए, यदि भारत देश की सेवा के लिए समर्पित ऐसे लोग विवाह ना करते हुए सेवा कर रहा है, कई लोग हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, यूपी के चीफ मिनिस्टर मेरे हाल में, वो भी शादीशुदा नहीं है, और
राहुल गांधी हैं, जो भी ऐसे पॉलिटिक में ही हमें अनेकों लोग मिलेगा जो विवाहित नहीं है और पूर्ण रूप से देश की इच्छा के लिए सेवा करने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहा है। तो कलीसिया ने इसी कारण धीरे धीरे ऐसा ये देखा गया अविवाहित लोग ज्यादा सेवा कर सकता है, इसलिए 305 का एडी 305 का एल्विरा जो काउंसिल हुआ था स्पेन में, स्पेन के एल्विरा में जो काउंसिल हुआ था वहां पर सबसे पहले ऐसे एक डिग्री लिया था, जो व्यक्ति अविवाहित रह करके जो पुरोहिताई में सेवा करेगा वो उचित है कर करके इसका स्वागत किया था। सबसे पहला जो रिकॉर्ड जो मिल रहा है वो है एडी 305 में। इसका मतलब है ये नहीं है 305 से नियम है, नहीं ये भी गलत है। आदिम कलीसिया से मतलब प्रेरितों से हमें मिल रहा है अविवाहित लोग थे। अभी एक नियम जो चर्च के अंदर बना है वो उचित है बोल करके 305 में खत्म नहीं हुआ। इस बात को वेस्टर्न चर्च ज्यादा अपनाए लेकिन ईस्टर्न चर्च कम अपनाया। ईस्टर्न चर्च में अधिकतर पुरोहित लोग विवाहित थे लेकिन वेस्टर्न चर्च में लैटिन चर्च के अंदर कम लोग थे, उनकी संख्या कम होने लगी। यह चलता आ रहा था 11th सेंचुरी में पोप ग्रिगरी के समय तक कुछ लोग विवाहित वेस्टर्न चर्च में भी था, लेकिन 11th सेंचुरी में संत पापा ग्रिगरी 7th ने ये आग्रह किया जो लोग पुरोहिताई में आ रहा है वो विवाह ना करे, निर्णय करे, वो स्वयं अविवाहित रह करके ये शिक्षा दिया। इसके बाद सन 1139 में 1139 के सेकंड लैटरन काउंसिल में इसका नियम बनाया। लैटिन चर्च में यदि प्रीस्ट बनना है उनको एक तो हमें मालूम है ओबीडियंस पॉवर्टी है और उसके साथ साथ ये जो सेलिबेसी का जो वाउस लेना निर्णय करना जरूरी हो गया। कहां से 1139 का सेकंड लैटरन काउंसिल में ये पक्का नियम बना है। इसके पीछे का जैसे बाइबल का मैंने अनेकों उदाहरण बोला, अभी ईसा मसीह स्वयं अविवाहित रह करके, वो महापुरोहित स्वयं अविवाहित है और उनसे जुड़ करके जो मिनिस्टर है उनका मिनिस्टर भी, इसलिए अविवाहित रहना है ये निर्णय किया। एक और टीचिंग ईसा मसीह का मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 11 को मैं उठाना चाहूंगा। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 11 से विवाह के विषय में और कुंवारापन के विषय में, जो कुंवार रहने के विषय में ईसा मसीह सिखाते हुए आ रहे हैं। वाक्य 12 में आकर के हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है ईसा मसीह सिखाते हैं, कुछ लोग माता के गर्भ से ही नपुंसक उत्पन्न होते हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना लिया है। मनुष्य के कारण वो नपुंसक अर्थात विवाह करे बगैर रह रहा है। और इसके बाद लिखा है तीसरा कैटेगरी, कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। इसका मतलब ये जो सेलिबसी का जीवन जीना, अविवाहित जीवन जीना, ये गलत नहीं है। ये समसी के शिक्षा में भी दिया है स्वर्ग राज्य के लिए, प्रभु के उस मिनिस्टीरियल प्रीशूड में रहने के लिए, प्रभु के साथ जुड़ करके प्रभु के स्थान पर खड़े रहने के लिए, प्रभु के समान ईसा मसीह के समान अविवाहित रहना गलत नहीं है, वो है सबसे उत्तम। ये स्पिरिचुअली
पूर्ण रूप से मसीही का बनकर के रहने के लिए ये सहायक है। मैं विवाहित पुरोहितों को भी देखता हूं, मेरे ही कुटुंब में विवाहित पुरोहित लोग हैं, उनके जीवन में और हमारे जो पल्ली के जो पुरोहित लोग, हमारे कैथोलिक प्रिस्ट लोग, उनके जीवन में हमें मालूम होना चाहिए। हमारे कैथोलिक कलीसिया में केरला में एक चर्च है, मलंकरा कैथोलिक चर्च, मलंकरा कैथोलिक चर्च, मलंकरा कैथोलिक चर्च के अंदर भी 1930 में जो ऑर्थोडॉक्स चर्च से कैथोलिक चर्च से रोमन चर्च से जुड़ने वाला है मलंकरा कैथोलिक चर्च, वे लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च में शादी करते थे, लेकिन यहाँ लैटिन कलीसिया सॉरी रोमन कलीसिया में कैथोलिक चर्च में जुड़ने के समय पर वो जो फर्स्ट जो बिशप आर्च बिशप मार इवानियोस, उन्होंने एक निर्णय किया, जैसे रोमन कलीसिया में जो सेलिबेसी का जो निर्णय है वो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मार इवानियोस स्वयं एक ऑर्थोडॉक्स चर्च का था, लेकिन वो बिशप बना क्योंकि वो शादीशुदा नहीं था, और उस सेलिबसी को चर्च में जारी रखने का निर्णय उन्होंने सबसे पहले किया। लेकिन हमें मालूम है ऑर्थोडॉक्स चर्च से या मार्थोमाइट चर्च से भी कुछ प्रिस्ट लोग, एंग्लिकन चर्च से भी आजकल बहुत प्रिस्ट लोग कैथोलिक चर्च में बन रहे हैं, जुड़ रहा है, वे लोग शादीशुदा हैं। हमारे पल्ली के हमारे घर के पास में एक ऐसा एक पुरोहित है, पड़ोसी पल्ली का पुरोहित है, वो शादीशुदा है, उनके बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी एक टीचर है। यदि हम लोग अविवाहित हमारे कैथोलिक पुरोहितों को और ये जो विवाहित वहां से जो आया ऑर्थोडॉक्स से जो ज्वाइन किया है उनको उसी अवस्था में ज्वाइन करके जीवन जीने का अधिकार है, वो अपने घर में पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं और कलीसिया का सेवा भी कर रहा है। यदि हम इन दोनों को अगर देखें, मैं देखता हूं हमारा जो पल्ली का पुरोहित है 24 घंटे चर्च की सेवा में लगे रहते हैं, कभी भी किसी भी काम के लिए बुलाओ दौड़ करके आने वाला ऐसा एक पुरोहित। लेकिन इस शादीशुदा वालों को उनका मिसा के लिए कभी कभी हमारे पल्ली में भी आते हैं, खत्म होते ही भागते हैं, जल्दी खत्म होते ही भागते हैं। क्यों भागते हैं? उनकी पत्नी टीचर है, उनको स्कूल छोड़ना है, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना है। इस प्रकार हम देख सकता है, यही कारण है कैथोलिक चर्च ने यह निर्णय किया कि हम अविवाहित रह करके ईसा मसीह के समान अविवाहित रह करके इस कलीसिया की सेवा करेंगे, प्रभु का और स्वर्ग राज्य के लिए हम ये कार्य करेंगे, इस ईश्वर को प्लीज करने के लिए, उनके खुशी के लिए, उनके जैसे जीने का ये एक निर्णय इसलिए करते हैं। यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 30 को पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 22:30, स्वर्ग में कोई विवाह नहीं होता, इसका मतलब इस संसार में अविवाहित जीवन जी करके एक पवित्र जीवन जी रहा है, उस स्वर्गीय उस रूप को यहां एनैक्ट कर रहा है, उस अवस्था में यहां संसार में भी रह रहा है। इसका मतलब इस संसार में हम एक स्वर्गीय जीवन जीने जीता है, उन्हीं लोग मृत्यु के बाद हम स्वर्ग का जीवन जीते हैं। तो यह अविवाहित अवस्था स्वर्ग का अवस्था इस पृथ्वी पर भी हो सकता है, इसलिए ये बोलना विवाह करना जरूरी है ये गलत है। अभी कुछ ट्रेडिशन हमारे कलीसिया का, जैसे मैंने बोला प्रेरितों से चला आ रहा है अविवाहितों का, कुछ संत लोग इसके विषय में कहते हैं, संत अगस्तीन है, मुझे पढ़ने के लिए मिला संत जॉन क्रिसोस्टम है, वो बोलता है जो सेलिबसी पुरोहितों का जो पुरोहिताई का जो सेलिबसी वही सबसे बड़ा एक बुलाहट है, उसका कीमत समझने की जरूरत है, कितना कीमती है। हाँ जरूर इस प्रकार का वउस लेने वाला पुरोहितों को कुछ तकलीफ तो पीड़ाएं होता है, शारीरिक मानसिक पीड़ाएं, यदि जो लोग पूर्ण रूप से प्रभु से जुड़ा हुआ है उनको इसकी जरूरत नहीं है, वो ये सहन कर सकता है, वो प्रभु के नाम पर उस अवस्था में रह सकता है, उसमें आनंद मनाने वाला हमें मिलेगा पुरोहित लोग, संत लोग यही बोलते हैं।
संत फ्रांसिस असीसी सब कुछ त्याग करके एक दूसरा मसीह के रूप में जीने वाला, उनके विषय में मैंने पढ़ा है असीसी में, आज भी लोग जाते हैं उनके आश्रम देखने के लिए। उसके कंपाउंड में जितने भी जो रोस पौधा है, रोस पौधा हमें मालूम है रोस पौधा का बहुत बड़ा कांटा होता है, वहां पर चाहे कितना भी कांटे वाला पौधा लगा करके उस आश्रम में लगाओ, वहां लगाने वाला किसी भी रोज फ्लावर का व पौधे का कोई भी कांटा नहीं होता। और उसके लिए इतिहास कहा जाता है जब संत फ्रांसिस असीसी उस आश्रम में रहते थे, उनके मन में जब कभी ऐसा विचार आते हैं, जो सेक्स का जो विचार आ गया, तुरंत उसको नष्ट करने के लिए कई रात्रि में कहा जाता है संत फ्रांसिस असीसी उड़ करके आश्रम के बाहर निकल करके इन रोस पौधों में लेटता था। इनके कांटे कहता है संत फ्रांसिस असीसी ने अपने शरीर में लिया, किसके लिए? ये जो वासना का जो आग है उसको बुझाने के लिए। हाँ, युवावस्था में ऐसे ऐसे विचार आ सकता है, संत फ्रांसिस असीसी एक उदाहरण है। और आज जितने भी कांटे वाला रोज पौधा वहां लगाए उसमें कांटा नहीं निकलता बोलता है, क्या कारण है? फ्रांसिस असीसी उन कांटों को अपने शरीर में उठा लेता है। पवित्र बने रहने के लिए इस प्रकार तपस्या करने वाले अनेकों संतों का हमें उदाहरण हमारे कलीसिया से मिलता है। यह सब इस सेलेबसी के विषय में बोलता है, यही एक महान बुलाहट है। इसके द्वारा प्रभु की कलीसिया का सेवा करना और उनको इसके द्वारा जो कष्ट क्रूस उठाना पड़ता है, वो कलीसिया में अनेकों आशीष का कृपा का कारण बन सकता है। वो जो कष्ट उन लोग उठा रहा है उसको प्रभु को अर्पित करते हुए अनेकों ऐसा वासना में जीवन जीने वाला, पाप की जिंदगी जीने वालों का आत्मा को इन पुरोहितों के द्वारा बचाया जाता है। इसलिए ये सिखाना गलत है कि पुरोहित लोग विवाह ना कर रहा है, वो पाप में जी रहा है, ऐसा ऐसा, ये सब गलत शिक्षा। ये मैं नहीं बोल रहा है पुरोहित लोग सब के सब अच्छा है, कुछ लोग बिगड़ा हुआ भी मिलेगा। ईसा मसीह ने 12 प्रेरितों को चुना, एक उनको ही चुंबन दे करके उन्हें पकड़ाने वाला निकला है, चोर निकला है, प्रभु सब जान रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु ने उन्हें चुना। झगड़ा करने वाला, अहंकार करने वाला, घमंडी लोग, आतंकवाद स्वभाव के लोग, ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना था। तो हमारे बीच में भी ऐसे कई लोग यूदस के रोल में भी देखने के लिए मिलेगा। कैनन लॉ 277 में लिखा हुआ है, ये जो सेलेबसी एक स्पेशल गिफ्ट है ईसा मसीह का, ईश्वर का, और प्रभु के इस कम्युनिटी की सेवा करने के लिए प्रभु के द्वारा देने वाला एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट है करके। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिस्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1579 में स्वर्ग राज्य के लिए और प्रभु के कार्य के लिए केवल परमानेंट डीकन जो है, परमानेंट डीकन शादी कर सकता है, अन्यथा चाहे डीकन हो, चाहे प्रीस्ट हो, चाहे बिशप हो, लैटिन कलीसिया में विवाह करने के लिए मना होता है। उनको ये स्वीकार करना पड़ता है विवाह ना करने का, जीवन भर ये जो सेलेबसी कुवारापन का जीवन जीने का। लेकिन हमें मालूम है कुछ ईस्टर्न कैथोलिक चर्च आज भी ऐसे कुछ ईस्टर्न कैथोलिक चर्च, उदाहरण के लिए बाइसेंटाइन चर्चों में कुछ चर्चेस, सारे बाइसेंटाइन चर्च नहीं, बाइसेंटाइन चर्च में कुछ चर्चेस जो है वो विवाहित लोग हैं, विवाह के जीवन जीते हुए वे लोग कलीसिया का सेवा कर रहा है। लेकिन लैटिन कलीसिया में ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, और पूर्वी कलीसिया में भी अनेकों चर्चस में, चाहे सिरो मलबार, सिरो मलंगरा, ऐसे जितने भी चर्चस हमारे भारत देश में, सब में ये सेलेबसी का नियम है। ये ईश्वर द्वारा देने वाला एक विशेष गिफ्ट है, एक इस बुलाहट के साथ
प्रभु, प्रभु ने यदि पुरोहित बनने के लिए किसी को चुना है, इस गिफ्ट भी दिया है, जीवन भर वो कुवारे रह सकेगा। वो प्रभु द्वारा देने वाला एक गिफ्ट है, एक वरदान है। इसलिए इसका विरुद्ध में झूठी शिक्षा गलत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हमारे पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करें। वैवाहिक जीवन से दूर रहकर उसको ना करते हुए सेलिबसी का, ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर, ओबीडियंस, सेलिबसी एंड पॉवर्टी, इसमें उन लोगों को जीवन जीने का कृपा मिले, शक्ति मिले, अपने शरीर को पवित्र रखने की शक्ति प्रभु उन्हें दे। प्रभु ईसा मसीह के जीवन के साथ, उनके पवित्रता के साथ जुड़े रहकर उनके स्थान पर खड़े रहने वाला, मसीह के समान, उनके स्वभाव के समान, उनके जैसे सेवा करने वाले, उनके जैसे सब लोगों को प्यार करने वाले, उनके जैसे पवित्र रहने वाला बन जाए। हम प्रतिदिन हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे पारिवारिक प्रार्थना में, हमारे रोसरी प्रार्थना में, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में, हमारे प्रिय पुरोहितों के लिए रोज प्रार्थना करने की एक आदत बनाइए। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे इस कलीसिया का, हम लोगों का सेवा करने में वे सक्षम बने, प्रभु के समान जीने के लिए उन्हें शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।